सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया। आपका दोस्त सोमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस पतंग से काइट फाइटिंग करने जा रहे हैं। इसको बने हुए 10 दिन हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे काइट फाइटिंग किया जाए। और इसमें लगाया कि मांझा ये पता नहीं किस कारीगर का मांझा है। जब तक लेबल नहीं निकलेगा तो पता नहीं चलेगा कि किस कारीगर का मांझा है, क्योंकि इसका रैपर खो चुका है। और ये मांझा हमने लिया है सैंडी भाई से। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताऊँ कि दिल्ली के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा टॉप का मांझा बेच रहा है ना, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैं ट्रस्ट करता हूँ, वो सैंडी भाई का। ये इंडियन काइट्स के नाम से है, और इधर शायद उनका मोबाइल नंबर भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक से ज़रा सा करके दिखाना, मोबाइल नंबर भी होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो है बसंत पंचमी या मकर संक्रांति या उत्तरायण के लिए जो अगर मांझे वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो फिर फ्रेंड्स आप लोग सैंडी भाई से कांटेक्ट करिए उनको फ़ोन पे, और उन्हीं से मांझा लीजिए, क्योंकि उनका मांझा दी बेस्ट मांझा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको उड़ाते हैं और उड़ा करके काइट फाइटिंग करेंगे। ये क्या लपर लपर करके जा रही है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही मस्त पतंग है। काइट फाइटिंग कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी पता नहीं, एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन पतंग तो बहुत ही मस्त है। वाह भाई वाह, क्या बात है, मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स इसको उड़ा करके। तो चलिए मैं कैमरामैन को बोलता हूँ फटाफट DSLR निकालें और पेच वेस दिखाएं। फ्रेंड्स, हम लोग सद्दी का चरखी ये वाला यूज़ करेंगे, यानी घर की बनी हुई पतंग और घर की बनी हुई सद्दी की चरखी। तो फ्रेंड्स, मांझा और सद्दी का जो गीट बांधते हैं, ये देखिए एक लेयर मांझा का ब्लैक कलर का, और ये पिंक कलर का जो सद्दी, इसको थोड़ा सा जो है लप लगाते हैं, और ये देखिए ऐसे करते हैं, और इसको रिवर्स लेके आते हैं, फिर ऐसे करते हैं, और ये बंध जाता है। फिर बंध जाने के बाद क्या करते हैं, बंध जाने के बाद बस सीधा डोर देते हैं। वो एक पतंग आके खड़ी भी हो गई लड़ने के लिए। ये देखिए कैसे खींच रहा है चरखी, चरखी भी तो दिखाओ भाई। ये देखिए लपालप जा रहा है फ्रेंड्स। तो कैमरामैन DSLR निकालेगा और आपको पेस दिखाएगा। ये देखिए आ गई आ गई आ गई आ गई, शायद पता नहीं एग्जैक्टली। फ्रेंड्स, इस पेज में ये हुआ, मान लीजिए ओपोनेंट की ब्लू वाली पतंग है और मेरी रेड वाली है, तो फ्रेंड्स ओपोनेंट नीचे से घुस करके आया और फ्रेंड्स उसने खड़ा खेल दिया। जब खड़ा खेल दिया तो फ्रेंड्स मैंने तुरंत नहीं खींचा, मैं यहाँ पे रुका रहा। जब उसकी पतंग पूरी खड़ी हो गई फ्रेंड्स, मैं इस तरह से बाहर निकल गया, उसकी पतंग मक्खन की तरह कट गई। फ्रेंड्स, मक्खन होता है ना, जैसे चक्कू से आप मक्खन काटते हो वैसे कट गई। तेजी से घुसा हूँ मैं उसके अंदर और ऊपर भागा। वो कट, वो गई, वो जा रही है, लपेटू इसको। लपट जा 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 यार, लपट जा यार, लपट जा लपट जा भाई, लपट जा मेरे, लपट जा। तेरे को लड्डू दूंगा, पेड़े दूंगा, बर्फी दूंगा, लपट जा यार, रसगुल्ले भी दूंगा, लपट जा लपट जा लपट जा लपट जा लपट जा लपट जा। फ्रेंड्स, बहुत ही मस्त पतंग है, लेकिन नहीं लपट पाया, निकल गया। फ्रेंड्स, दो पेच हो गया, पहला पेच तो ब्लर हो गया कैमरामैन बता रहे, दूसरा भी थोड़ा थोड़ा ब्लर हुआ है। अब ये वाला पता नहीं, अभी पता लगेगा। कट गई उसकी दूसरी, कट गई।
फ्रेंड्स काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि अंकल ये स्टैंड कहाँ पे मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टैंड हमने सैंडी भाई से लिया है और सैंडी भाई का एक चैनल भी है इंडियन काइट्स के नाम से, आप यहाँ पे देख सकते हैं और उनका मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं। अगर इस तरह का स्टैंड आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर पर, और इंडियन काइट्स के नाम से उनका एक चैनल भी है, वो वीडियोज़ वगैरह भी बनाते रहते हैं, अपलोडिंग करते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि ये स्टैंड जो है बहुत ही अच्छा रहता है काइट फाइटिंग के लिए, क्योंकि ईंट पे हम लोग लगाते हैं तो ईंट पे से फ्रेंड्स चरखी गिर जाती है, लेकिन इस स्टैंड से नहीं गिरती है, इस करके हम लोग पेज भी अच्छा लड़ा पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स फिर से पेज लड़ने लग रहा है और ओपोनेंट नीचे से लड़ाएगा शायद, हाँ, और मैं लड़ाऊँगा ऊपर से। खींचा उसने फ्रेंड्स, काटी काट दी फ्रेंड्स, काट दी काट दी काट दी। लपट जा भाई फ्रेंड्स तीन पेच हो गया, मज़ा आ गया। वही ये भगवान लपट गया यार, पता नहीं आएगा। ओ माय गॉड इतनी हेवी हो गई फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत भारी हो गया। ये भगवान आएगा कि नहीं आएगा, आई डोंट नो क्या होगा, मैं लाने की पूरी कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। ओह माय गॉड अगर आ गया तो मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ। ओए तेरी की, ओए पेज भी काटा और लपेट के भी ला रहा है, अभी पूरा आया नहीं और पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बहुत दूर से लपेट के ला रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ 400 मीटर प्लस से लपेट के ला रहा हूँ। जूम इन जूम आउट पे आपको पता लग जाएगा फ्रेंड्स, अभी जूम इन जूम आउट क्या करना, अभी तो मंझा भी नहीं आया, 200 गज से ज़्यादा मांझा लगा हुआ था, क्या होगा पता नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। वो तेरी की, ओए ओए भैया 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 भैया, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई आ जाना, ओ भाई आ जाना, ओ भाई आ जाए यार, बिल्कुल आ जाइयो यार आ जाइयो। ओ तरीकी, ओए 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 आ गया फ्रेंड्स, बिल्कुल नज़दीक आ गया, और क्या होगा आई डोंट नो क्या होगा। और ये मैं भी चाहे सारा छत पे फ्रेंड्स मेरा मंझा सद्दी बिखर गया। ओ माय गॉड आजा 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 प्यारे आजा। ओए तरीकी, ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है काइट ले आया अपने साथ, अपनी दुल्हन को ले आया फ्रेंड्स, ये देखिए शादी करके लौटा है। बहुत ही मस्त पतंग है फ्रेंड्स, सद्दी की पतंग है, बहुत ही बढ़िया देखता हूँ। ओ माय गॉड बहुत अच्छी पतंग है फ्रेंड्स, ये देखिए, वाह भाई वाह, बहुत अच्छी पतंग है, लोकल कारीगर की होगी फ्रेंड्स, अभी स्टैंप नहीं लगा है, लेकिन बहुत अच्छी है, आप देखिए बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स, इसने खींचा था बिल्कुल एकदम, और मैंने भी फ्रेंड्स झटके मारता रहा पीछे हटते हटते फ्रेंड्स पेज फंस गया, और पेज फंसते ही फ्रेंड्स इसकी लुढ़क गई। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर के बताना, और अगर आप लोग बोलोगे तो इस तरह से मैं आगे भी काइट फाइटिंग एंड काइट कैचिंग की वीडियोस बनाता रहूँगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है, वो रिस्क ये है कि आपकी पतंग भी इसमें जा सकती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप देखिए ये इधर दिखाना, इधर ये देखिए फ्रेंड्स इस पतंग का मांझा, और मेरे पतंग इसका भी ब्लैक कलर का मांझा है फ्रेंड्स पूरा। आप छत में देखिए, आप छत देखिए पूरा दिखाओ कितना, देखिए पूरा सद्दी मांझा सब उतारा गया फ्रेंड्स, दूर तक एकदम बिखरा हुआ है, अगर आप देखें वहाँ तक देखिए फ्रेंड्स पूरा एकदम बिखरा हुआ है, पूरा छत हमारा जो है सद्दी मांझे से भर गया। पता नहीं ये सही हो पाएगा कि नहीं, पतंग लपटाने का फ्रेंड्स ये नुकसान भी बहुत है,
तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर के बताना। आज काइट फाइटिंग और काइट कैचिंग दोनों ही हुई है और हमारा जो है ये आप पतंग देख सकते हैं, हैंग ग्लाइडर काइट बहुत ही मस्त है। और पहले भी दो बार इसने काटा और लपेटने की कोशिश करी फ्रेंड्स, वो लपेट में नहीं आया और ये लपेट में आ गया फ्रेंड्स। और बहुत ही मस्त बहुत बढ़िया पतंग है फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखें तो बहुत ही अच्छी पतंग बनी हुई है ये। तो फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करूंगा, मेरे वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्दी हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।